हाय, मैं शिवांश ठाकुर, यू मुंबई टीम से राइट कवर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सुंदरनगर मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैंने लगभग 12-13 साल से कबड्डी स्टार्ट कर दी थी। मेरे गांव में पहले से ही बहुत अच्छा कबड्डी का माहौल रहा है। मेरे फैमिली बैकग्राउंड है वो भी कबड्डी से है। पापा अच्छे प्लेयर रहे हैं और भाई नेशनल मेडलिस्ट भी रह चुका है। तो वहीं से उनको देख देख के मैंने कबड्डी स्टार्ट की। मैं लगभग 13 साल का था तो फिर मैंने अंडर 14 नेशनल खेला था, जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ था। थोड़ी थोड़ी इतनी याद है। फिर उस अंडर 14 नेशनल से मेरा सिलेक्शन साई हॉस्टल बिलासपुर के लिए हुआ था और फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। लास्ट सीजन सबसे पहले तो मैं विशाल माने भाई के साहब के बारे में बताना चाहूँगा। उन्होंने मुझे मतलब बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराई। मेरी काफ़ी मतलब मेरे कुछ अच्छे स्किल नहीं थे पहले, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई है। उनके लिए मैं उनका बहुत ज़्यादा मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा उनको। और उनके साथ हमारी अच्छी बातचीत मेरी होती रहती है, जब भी मन करता है उनके साथ बात होती है। और लास्ट सीजन NYP था, पहला साल था, तो थोड़ी बहुत घबराहट थी भाई कैसा होगा उधर जाके, इतने बड़े बड़े प्लेयर मिलेंगे देखने को। तो फिर अभी दूसरा साल है तो मज़ा आ रहा है खेलने का। मैं जब छोटा था तो फिर मैंने उनको ही देख के कबड्डी स्टार्ट की थी। वो उस टाइम अच्छे प्लेयर हुआ करते थे, वो जूनियर लेवल के, जूनियर स्टेट वगैरह नेशनल वगैरह खेलते थे वो। तो उनको देख के स्टार्ट की हुई है, तो आज उनके साथ ही खेलना मेरे को बहुत मतलब अपने ऊपर भी थोड़ा प्राउड होता है कि अब पहले उनको देखता था और अब उनके साथ ही खेल रहा हूँ, तो अच्छा फील होता है। और वो मुझे मतलब अच्छा गाइडलाइन देते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए था, ये पोजीशन इधर निकाल, ऐसे हट, ऐसा कर, खुल के खेल, हम खड़े हैं। तो फिर अच्छा आता है, मतलब उनके साथ अच्छा लगता है। देखिए, पहले तो मेरा जो मैच रहे थे वो अच्छे नहीं रहे थे, फिर मुझे बीच में जैसे चेंज कर दिया था। और उसके बाद मैंने लास्ट मैच खेला था, वो मतलब प्रो कबड्डी का मैंने हाई फाइव भी मारा था और शायद 7 कैचे थी शायद, तो अच्छा था, मतलब जाते जाते अच्छी छाप छोड़ के गया था। मैंने गुलाम रजा सर के बारे में पिछले साल या 2-3 सालों के से पहले से सुनता आ रहा हूँ सुरेंद्र भाई से, कि वो बहुत अच्छे कोच हैं। उन्होंने शायद उनके पहले सीजन 6 में उनके साथ रहे हैं वो, तो उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत टेक्निकली है और सारे मैच जो होते हैं वो अच्छे मतलब माइंड से खिलाते हैं, अच्छे सेटअप के साथ खिलाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस वो फिटनेस पे ध्यान देते हैं। तो फिर जब कैंप नहीं लगा था तो हम बात कर रहे थे कि इस बार पहले से ही अच्छी फिटनेस करके जाना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा फिटनेस कराते हैं। और बाकी अभी भी देखने को मिल रही है, नए नए स्किल मिल रहे हैं, अलग कंट्री के कोच हैं उनके पास अलग है, हमारे इंडिया के अलग रहती है गेम, वो ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान देते हैं और हम ज़्यादा ग्राउंड स्किल, कबड्डी स्किल के बारे में ध्यान देते हैं। और सुथार सर जो हैं उन वो मैं भी मैं गांधीनगर साई में हूँ तो वो वहीं पर भी आते थे, उनके साथ भी मैंने मतलब 13-14 दिन पहले भी मैं स्किल करके आया हूँ, तो वो भी अच्छे हैं, अच्छे बताते हैं। मेरी सबसे ज़्यादा जो क्लोज बॉन्ड है वो रुपेश के साथ है। हम बहुत सारी अपनी अपनी बातें करते हैं, छुप छुप कर चलता रहता है हंसी मजाक, और प्लेयरों के साथ भी करना या कुछ ना कुछ करते ही रहना, यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ी करनी कहीं ना कहीं किसी के साथ, कभी किसका क्या लेना, कभी क्या लेना। फिर मैं रुपेश के साथ रहता हूँ। वैसे तो हम 3 रहते हैं, मैं, रुपेश और जय भगवान, हमारा 3 का अच्छा है इस साल। मेरे हिसाब से टीम में सबसे ज़्यादा मस्ती हो तो रुपेश ही है, वही सभी टीम वालों के नाक में सलम किया हुआ है। मैं फैंस के लिए यही कहना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इस बार हालांकि हमारी पहले बोल रहे थे कि रेडिंग यूनिट इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी हमारे रेडर्स डिफेंस के मुताबिक ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो इस बार बहुत चेंजिंग आई है टीम में भी और हम अच्छा करके दिखाएंगे। थैंक यू।